हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट के लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के न्यू चैप्टर स्टार्ट, पहले क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है और उसकी सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, अभी उस हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। यस, तो इसमें देखो, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक प्रोटोकॉल एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, देन बैंड वेट प्रोटोकॉल, दैट इज पिगी बैकिंग। तो ये सब उसके अंडर प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, सो सिंपलेक्स प्रोटोकॉल में देखो, दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, नो फ्रॉड कंट्रोल, नो एरर कंट्रोल, द रिसीवर डज नॉट गो ओवर हिल बिकॉज द रिसीवर डज नॉट गेट ओवर हेम ड्यू टू इनकमिंग पैकेट्स एट एवरी हाई रेट। तो बेसिकली जो सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, तो उसके जो कैरेक्टर्स है, मतलब फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, एरर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और ये जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में नहीं होता है इसमें। यस, देख उसके बाद वाला जो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सो इट इज अ सेकेंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वी विल डिस्कस नाउ इन। इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, मतलब इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। द ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोटोकॉल आर एज फॉलोज, इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट प्रोवाइड्स फ्लो फ्लो एंड एरर कंट्रोल। जैसे सिंप्लेक्स और प्रोटोकॉल था, तो कंट्रोल और एरर कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, बट आप जब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखेंगे तो वो क्या करता है, ब्लोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ओके, यस, उसके बाद गो बैक एंड प्रोटोकॉल। सो द इफिशियंट पैकेट सेंडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ऑपरेशन गो बैक इन प्रोटोकॉल इज दैट वी कैन सेंड सेवरल पैकेट्स बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले ही हम बहुत सारे डेटा पैकेट भेज सकते हैं, बट द रिसीवर कैन बफर ओनली वन पैकेट एंड अ कॉपी ऑफ एवरी सेंड पैकेट इज केप्ट बाय सेंडर अंटिल इट रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पैकेट। होता है कि जो मतलब हम रिसीव होने रिसीव